देखिए मैडम, वो जमीन मेरी है, मेरी। उस पर मैं मॉल बनाऊं या चाय की दुकान, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है मन्ने, और प्रॉब्लम यो है कि जब तक उन बच्चों को कोई और घर नहीं मिल जाता रहने के लिए, तब तक तू उन्हें उनके घर से ना निकाल सके। देखिए तरुण साहब, बात दरअसल ये है कि आप इतने नामी गिरामी बिल्डर हैं, इतने बड़ा आपका रुतबा है जमाने में, हम भी जानते हैं, अगर आप गरीब बच्चों के रहने का इंतजाम कर देंगे तो हाई, हाई, तो क्या नानी मर जाएगी क्या? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? देखिए मैडम, ये जो खड़े हैं ना यहाँ, ये उस सेठ के भतीजे हैं, भतीजा। ये जमीन मैंने इनसे खरीदी है। अब वो बच्चे सड़क पे आते हैं या कहीं और जाते हैं, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? बच्चों को सड़क पे लाएगा तू? उससे पहले मैं थारे पांव के नीचे से जमीन खींच लूंगी और सर के ऊपर से आसमान उधेड़ दूंगी। देखिए मैडम, मैं उस बंगले का मालिक हूँ और मैंने वो बंगला इन्हें बेच दिया है, इसलिए आप अब बीच में मत आइए। तू बताएगा मन्ने, कमिश्नर हो रहा है तुम्हारा, तू ऑर्डर देगा मन्ने कि मैं बीच में ना आऊं और साइड में ना आऊं। इब तो मैं भी देखती हूँ कि उन बच्चों को उस घर से कौन निकालता है। अच्छा, ये बात तो ठीक है, आज ही मैं उन बच्चों का सामान सड़क पर फिकवा देता हूँ और फिर देखता हूँ कौन रोकता है मुझे, क्योंकि मैं हूं तरुण टिस्का, दिमाग से हूं थोड़ा खिसका, चाय में कॉफी है, खानी मुझे टॉफी है। अरे चल। फेंको जल्दी जल्दी, तुमने क्या मुंह देख रहे हो? फेंको। आप क्या कर रहे हैं? मैं बिल्डर तरुण तिस्का का मैनेजर मुन्नू वाजपेयी, और मेरे पास है हिसाब की पाई पाई। मैडम मैडम, मैं गुड जॉब सर। थैंक यू। मैडम जी, ये आप गलत कर रही हैं। अब गलत तो तुम्हारा वो बिल्डर कर रहा है, जिसकी इतनी हिम्मत कि इनके लाख समझाने के बावजूद ना आओ देखना टाओ, खेल दिया अपना डाओ, नॉट गुड। वेल, अब होगी तुम्हारी पिटाई इस दा, समझो तुम्हारी शामत आई इस दा। बच्चों, अटैक इस दा। वो छोरी मन्ने दी थी, बड़े होके चंद्रमुखी बनेगी। शी इज टफ सर। बचो बचो उससे, बचो बचो उससे, मारो मारो और छोड़ के। चलो चलो, काफी है, चलो बस। आजा आजा। गुड 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 जॉब। उठ उठ जल्दी, देख लेंगे तुम लोगों सबको, देख लेंगे। हट, तुमको तो पता नहीं। अरे क्या है? अरे थैंक यू किस बात का? और जलंधर, मारे जिंदा रहते इन बच्चों के सर से कोई छत ना छीन सके। वाओ 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 वाओ। हम क्या कह रहे हैं चंद्रमुखी? ये ये। हमारा मतलब है चौटाला, कि बच्चे जो हैं वो खौफ के कारण भयभीत हो गए, घबरा रहे हैं अंदर से,
तो क्यों ना हम लोग भी आज बच्चे बन जाएं और उनके साथ थोड़ा पिकनिक स्टाइल कुछ कर लें। हाँ हाँ क्यों नहीं, बच्चों जल्दी आ जाओ, चाची पुलिस बुला लेगी, आ जाओ जल्दी से। चलो 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 आराम से आराम से आराम से चलो आ जाओ। जी सर कहिए, कैसे बुलवाया आपने? मिस चौटाला, वो जगह इनकी है और इनको पूरा हक है उस जगह को खाली करवाने। कमिश्नर साहब, यही बात मैं इनसे कई बार कह चुका हूं, पर यह है कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। चाय में कॉफी है, खानी मुझे टॉफी है। अब मिस चौटाला, आप इस मामले में कोई दखल नहीं देंगी। आप कानून की रक्षा के लिए हैं, कानून को तोड़ने के लिए नहीं। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा सर। भले ही कुछ बच्चों को उठा के उनके घर से बाहर फेंक दिया जाए, उनका सामान सड़क पर डाल दिया जाए, उन्हें घर से बेघर कर दिया जाए, पर मैं कुछ ना करूंगी सर, क्योंकि मैं तो कानून की सेवक हूँ, कानून की रक्षा के लिए हूँ मैं। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं इस मुद्दे पे कुछ कह सकता हूँ? आप कभी भी किसी भी मुद्दे पे कुछ मत कहिए। कलंक। क्या है क्या है क्या है क्या है यार ये गोपी, वहां मैडम से कोई कुछ भी कहता रहा और तूने सुन लिया। तेरी जगह अगर मैं होता ना तो उसको पनीर की तरह अपने गुस्से में सुलगा के उसका पनीर टिक्का बना देता मैं। वैसे भी मेरी नजरों में आप कुछ खास उठे हुए नहीं थे भैया, आज और गिर गए। वेल वेल क्या वेल क्या वेल 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 क्या वेल क्या वेल, काश तेरी जगह मैं गया होता मैडम के साथ। ऐसा नहीं है यार, मेरा भी पंजाबी खून था खौला इसदा, मैं भी गुस्से में था बोला इसदा, लेकिन मॉम ने दिया मुझे रोक इसदा, वरना मैं देता उनको ठोक इसदा। मन्ने बच्चों की बहुत चिंता हो रही है, वो बिल्डर एक नंबर का काइया और घाग आदमी है, देख लेना उन मासूम बच्चों को बेघर कर देगा। Hello, Mulayam Singh, Gulgule speaking. Hello, Gops there. Just a moment, please. Haan, Billu bol raha hu. Well. Hello. Chandramukhi Chautala. मेरे पास तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा राज है जो तुम्हें भी नहीं पता है। कौन बोल रहा है? वो भी पता चल जाएगा जब तुम मुझसे मिलने आओगी, और तब मैं बताऊंगा तुम्हें वो राज जिसे सुन के तुम चौंक जाओगे, जो पलट के रख देगा तुम्हारे अतीत के पन्नों को। और हाँ सुनो, साथ में गोपी को जरूर लाना, आज रात चुटपुटियागंज के पास बांदा गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 25 में। हेलो, मारे अतीत का राज, अबे खुला है दरवाजा, चल ना। वेल मॉम, आपको यही रूम नंबर बताया था
आर यू श्योर इज द लता रफी किशोर इज द मैं सारे काम सिक्योरिटी के संग ही करती हूँ समझा कि नहीं पर हमारी समझ में ये ना आ रहा है इस आदमी ने जिसने फोन करा इस कमरे में क्यों बुलाया है वो भी इस यूजलेस आदमी के साथ वेल मॉम शायद आपको पता नहीं मैं कितना हूँ मशहूर इस द मेरी सास मुझे कहती है लंगूर इस द मॉम ये तो पंजाब के मशहूर जोशी बाबा बेंजो हैं मॉम इनकी की हुई भविष्यवाणी हमेशा सच होती है इन्होंने एक बार मुझे कहा था भी मुझे मेरी धोबन पीटेगी तो उसने मुझे पीटा चुप रे यार हर जगह अपनी क्या खुलासा करता घूमता है तू बाबा बेंजो कहिए यहाँ क्यों बुलाया आपने हमें बताया तो था मैंने तुमको कि तुम्हारी जिंदगी का ऐसा एक राज जिसे सुनकर तुम चौंक जाओगे लेकिन मेरा फर्ज ये भी है कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में आने वाले खतरों के बारे में आगाह करूं देखिए बाबा जी जो भी कहना है जरा अर्जेंसी में कह दीजिए फटाफट से है ना कई काम छोड़ के आई हूं मैं इस राज की क्यूरियोसिटी में मॉम आप ऐसा क्यों कह रही हैं इनकी बात कही हुई हमेशा सच होती है सुन तो लो क्या कह रहे हैं तू चुप रहना यार चंद्रमुखी तुम्हें सिर्फ इस बात का पता है कि तुम अपने माँ बाप के एक लौटी संतान हो लेकिन तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है कि तुम्हारी एक और बहन भी थी कृषिका तुम्हारी जुड़वा बहन जिसे बचपन में कुछ रहस्यमयी लोग अपने साथ ले गए और जिसने बुराई का रास्ता अपना लिया और अब वो वापस आ रही है जिससे सबसे ज्यादा खतरा सिर्फ तुम्हें है चंद्रमुखी सिर्फ तुम्हें वो तुम्हारी दुश्मन है मारी बहन मारी दुश्मन हाँ चंद्रमुखी तुम्हारी बहन तुम्हारी दुश्मन क्योंकि वो तुम्हें अपना बहन नहीं मानती है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपना दुश्मन मानती है और तुम्हारी जिंदगी में आने वाला समय तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है चंद्रमुखी सावधान अपनी दुश्मन बहन का नाम याद रखना कृषि कृषिका गुलगुले आर यू थॉटिंग मैं मजाक कर रहा हूं यार गोपी मतलब ये कैसी बात है यार गोपी ये मजाकिया सी बात लगती है मतलब तू कह रहा है कि हमारी मैडम जो है वो सुपर कॉप है और उनकी जो बहन है वो सुपर वुमन है yes! हाँ तो क्यों नहीं हो सकती गुलगुले जी इसलिए नहीं हो सकती क्यों ऐसा सब फिल्मों में होता है यार मतलब सुपरमैन सुपर वुमन ये सब कहाँ होते हैं यार गोपी तेरा ये जो पंजाब का बाबा है ना वो झूठ बोल रहा है गुलगुले माई ब्रो बाबा बेंजो जी की कही हुई बात कभी गलत नहीं होती है मुझे तो इसी बात की पेंशन हो रही है टेंशन भैया या दिस वन कहीं मॉम को कुछ हो गया तो हाँ क्यों नहीं मॉम तो मॉम की बनी है ना ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत ना है भूल जाओ उस बाबा ने और काम पे ध्यान दो सबके सब आइए आइए आ गया सिंडे अरे अरे देखो कौन आया है
गुलगुले यार बड़ी भूख लग रही है मन्ने। सुन हमारे पास एक आइडिया है। वो चिंटू हलवाई है ना, हाँ? उसकी दुकान पे कितनी बढ़िया पेस्ट्री बनती है। वो पेस्ट्री? हाँ पेस्ट्रीज। मैं क्या कह रही हूँ, जरा पेस्ट्रीज मंगा ले, सबके लिए मंगा ले, और समोसे मंगा ले। समोसे? ओ समोसे। कौन कौन खाएगा? क्या हो गया? ये बच्चे इतने गुमसुम कैसे हो गए? बचा लीजिए मैडम, हमें बचा लीजिए। छोटा परिवार सुखी परिवार। अरे पर बात क्या हुई है, बोलो तो सही। मैडम मैडम दरअसल बात ये है कि उस बिल्डर ने ना हमें धमकी दी है। वो पता है क्या कहा है कि शाम तक अगर हमने मकान खाली नहीं किया ना तो वो बुलडोजर लेके आएगा और शाम तक हमारा मकान गिरा देगा। चाची पुलिस बुला लेगी। प्लीज दीदी हमारा घर टूटने से बचा दीजिए। हाँ दीदी वरना हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे बच्चों तुम लोग चिंता मत करो, मैं कमिश्नर साहब से बात करती हूँ, वो कोई ना कोई रास्ता। रहने दीजिए मैडम, बस रहने दीजिए। अब हमें पता चल गया कि हमारी मदद करने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और जिस कमिश्नर साहब की आप बात कर रही हो ना, वो तो खुद आपको रोकने के लिए आ गए थे। रहने दीजिए आप प्लीज। चलो बच्चों, ये मैडम हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगी। चलो चलो संडे टू सैटरडे चलो। वाह मैडम वाह, आज आप इतनी मजबूर हो गई कि इन मासूम बच्चों की सहायता भी नहीं कर सकती। हाँ नहीं कर सकती। लेकिन क्यों मैडम? क्योंकि क्योंकि मैडम अपने फर्ज की जलेबी कानून के दूध में तो डुबो सकती हैं, लेकिन चाय में नहीं। अरे कानून अगर छोले है तो मैडम का फर्ज भटूरा, कानून अगर कड़ी है तो मैडम की ड्यूटी पकोड़ा। अरे ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ ही रहेंगी यार। अरे लेकिन मजबूरों और मजलूमों की मदद के लिए मैडम कितनी बार कानून की कड़ी को भटूरे के साथ खा चुकी है, तो अब क्यों नहीं? मैडम क्या क्या आपको आपकी नौकरी जाने का डर है? अपनी नहीं तुम सबकी। तू तो कमा रहा है, मैं भी कमा रही हूँ, कोई टेंशन नहीं। तू तो जाके बैठ जाएगा अपने कमिश्नर जीजा की गोद में। इसका सोच गुलगुले का, उसका सोच गोपी का, इन दोनों का गोलू सनी का। ये सब परिवार वाले हैं, इनके पीछे इनके बच्चे हैं, इनकी फैमिलीज हैं। कैसे जाने दूं मैं सबकी नौकरियां? नहीं कर सकती कुछ मैं, नहीं कर सकती। लेकिन मैं मजबूर नहीं हूं। बचा लो आप सब अपनी अपनी नौकरी। मेरी तो अभी कोई शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। मैं करूंगा इन बच्चों की मदद, मैं इनकी हेल्प करूंगा। बिल्लू मैं इनकी हेल्प करूंगा बच्चों की। बिल्लू